Galaxy. Galaxy. फाइनली हम तुरटुक पहुंच चुके हैं। ये जो है ये ज़ीरो पॉइंट है, मतलब यहाँ आर्मी का एरिया, यहाँ हमको जाने नहीं मिल रहा। आगे चलो पैदल वहाँ तक चलते हैं। आगे मैं आपको दिखा के आता हूँ। अभी सारे बाइकर्स कुछ बाइकर्स हमारे खो गए हैं, तो उनको ढूंढने के लिए थार वापस गई है। यहाँ पे ना एंट्री होगी, उसके बाद वो जो एरिया देख रहे हो आप, वो वाले रोड पर हमको ऊपर जाने को मिलेगा। वहाँ से उस पार पाकिस्तान दिखता है, वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं जहाँ तक कैमरा ले जाने दे रहे हैं वहाँ तक तो ले ही जाता हूँ। वहाँ पे एक आर्मी का बंकर भी था, यहाँ से लौट के मैं आपको बंकर दिखाता हूँ, बंकर कैसे होते हैं। पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। GoPro की बैटरी भी डाउन हो गई है, दूसरी बैटरी लगाना है जल्दी से। सर बस यहीं तक आए, बंद कर दूं कैमरा यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, तो अपने देश की सिक्योरिटी से किसी भी प्रकार का मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। कैमरा मैं बंद कर रहा हूं। ऊपर जाएंगे, जब ऊपर से जो नज़ारा होगा पाकिस्तान का वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमने बंकर देखा, ये देखिए बंकर कैसे दिखते हैं। एकदम ज़मीन से फ्लैट है, नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है, चेन लॉक वगैरह लगा हुआ है, पहाड़ के पूरा इस तरफ है। ये जो ज़ीरो पॉइंट था ना, इसके उस पार एक गांव है जहाँ पे बता रहे पाकिस्तानी आए दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं। और अभी हम लोग परमिशन ले लिए हैं, बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ धूल बहुत है। गाड़ियों के पीछे पीछे चलेंगे तो पूरा धूल धूल हो जाएगी। यहाँ से निकलते हैं, देखिए धूल कैसी उड़ रही है ना। वहाँ पे जो परमिट था, नितिन भाई हमारा सबका परमिट ले आए थे, एक एंट्री करानी थी। हमने अपनी गाड़ी की तो एंट्री करा ली और फटाफट ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ धूल में पागल हो जाएंगे नहीं तो। जो भी गाड़ी आगे चलेगी तो हमारे को धूल बहुत हो जाएगी। फटाफट से पहुँचते हैं वो पूरा अपना आर्मी बेस कैंप। कैसी कैसी जगहों पे हमारी आर्मी हमारे लिए तैनात रहती है, सोचने वाली बात है। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो कमेंट में एक चीज जरूर लिखिए, भारत माता की जय। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा पूरा ब्लॉग देखे हैं। बट कुछ भी कहो यार, जितनी तारीफ करो भारतीय सेना की कम है। 9 अगस्त सन 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से इसको अपने कब्जे में लिया था। वहाँ पे पीछे पार्किंग में हमने बाइक्स लगा दी, ये आर्मी वालों की होगी ना, बहुत ज़्यादा ये हाथ मत फैलाना, पता नहीं चले मुझे। ठीक है, वहाँ पे हमने बाइक्स खड़ी कर दी हैं। यहाँ से आगे हम लोग को थोड़ा सा पैदल जाना है, करीब आधा 1 किलोमीटर का रास्ता है। खड़ी चढ़ाई एकदम ऊपर से
गर्मी तो और जान निकाल रही है, बट कुछ नया देखने का जो एडवेंचर है ना वो अलग ही। क्या नाम तेरा? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम अली। अली स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में। शादी हो गई तेरी? कब करेगा? खैर मस्ती मजाक छोड़ो, अपन ऊपर चलते हैं। चलो भैया हिम्मत मत हारो, चलो चलो। आज अरुण भैया बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं। एक तो पहाड़ों में वैसे ही ऑक्सीजन कम, ऊपर से गर्मी, फिर पैदल जाओ। नहीं नहीं सीने में नहीं, ऐसे चलता रहेगा ना, लोगों को देख रहा है, उसने मना किया था तो बंद कर देते, ऊपर चलते ना अपन। दोस्तों अनोखी बात यह है कि फिलहाल हम जिस जमीन पे चल रहे हैं 1971 के पहले ये पाकिस्तान में हुआ करती थी। हालांकि मैं तो तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं जहां हमें एक्चुअली पहुंचना है। यहां पहाड़ों में भी प्रॉपर खेती बाड़ी की जाती है। देखिए ये जो आप खेत देख रहे हैं गेहूँ के खेत हैं। ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब। आप तो इनर पहने हो? फिर बड़े बोलो ना, गाड़ी चला रहे हो तो हवा चल रही है आपके, हमारा जैकेट तो पूरी हवा रोक ले रहा है। ये जो देखिए ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं पत्थरों के। अभी ये बहुत मजेदार साउंड निकाल रहे थे गधे लोग, म्यूट हो गए। एक बार फिर से हल्ला करो बच्चों। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों हम लगभग पहुंच गए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहा था ना कि 5 मिनट, वो 5 मिनट को करीब आधा घंटा हो गया हम लगातार चले जा रहे हैं। एक कैफ़े दिखा है हमें, यहाँ लिखा है बॉर्डर व्यू कैफ़े, हो सकता है यहीं से हो। फटाफट से चलते हैं, ये है बॉर्डर व्यू कैफ़े। क्यों मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताओ ऐसी जगह पहुँच गया, सजा दोनों आ रही है। हैं और गाना कौन सा गा रहे थे आप अभी थोड़ी देर पहले? कुछ लग गए वाला गाना था ना। कहाँ बैठ रहे हो फिर? चलो नहीं बॉर्डर यही तो है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ना है। यू है सिर्फ, खड़े रहकर देख सकते हैं कुछ आगे। चलो आ जाओ यहीं आ जाओ, कोई मिलिट्री नहीं है। बनाने वाले की भी कलाकारी देखो, इतना ऊपर आके इसने कैफे बनाया है। जल्दी से एक सीट कैप्चर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इस नज़ारे तक पहुँचने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया भाई। वो कहाँ दिखती है बॉर्डर? देख भाई एक यहाँ कहीं दिखेगी, वो बायनोकुलर्स पड़े हैं वहाँ पे। हाँ इधर ऊपर पे दिख रहा है। ये देखिए क्या व्यू है, अभी बायनोकुलर्स पड़े हुए हैं उससे मैं बॉर्डर देखता हूँ। अगर इसमें कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर पाया तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये वाला वो नज़ारा है जिसके उस पार पूरा पाकिस्तान है। मैंने अभी दूरबीन से देखा बॉर्डर वहाँ कहीं पे दिखती है। मैंने कोशिश बहुत की कि मोबाइल से जूम करूँ या फिर इसको कैमरे को उसमें लगा के जूम करूँ, लेकिन दिख नहीं रही थी। तो ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही नज़ारे के मज़े लीजिए। वो वाला जो पहाड़ है ना वो पाकिस्तान का है, इसके इस तरफ अपन इंडियंस का है। स्ट्रगल है यार, आर्मी वाले कहाँ कहाँ बैठे हमारे लिए, क्या बोले। ये पूरा कैफे है, ये भाई लोग अभी आ रहे, लेट हो गए। कहाँ रह गए थे? धीरे धीरे आ रहे थे, हम तो दौड़ के आए। तुम्हें स्टेमिना ज़्यादा है।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो अपना प्यार बना के रखिए। आपसे मैं इजाज़त लूँगा अब इसके बाद वाला वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। अभी मैं नुब्रा वैली में ही हूँ, जो भी नज़ारे होंगे वो आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। York City.